अब निलपोटेंट मैट्रिक्स के बाद हम पढ़ते हैं इनवोलेंट्री मैट्रिक्स। इनवोलेंट्री मैट्रिक्स क्या होता है? आ मैट्रिक्स ए, आ मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी इनवोलेंट्री मैट्रिक्स इफ ए स्क्वायर बराबर आई, यानी ऐसा मैट्रिक्स अगर हम उसी मैट्रिक्स का उसी से मल्टीप्लाई कर दें, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स या हम कहें यूनिटरी मैट्रिक्स आ जाए, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि जो मैट्रिक्स है वो इनवोलेंट्री मैट्रिक्स है। तो यानी कि कोई मैट्रिक्स ए है और उसी का उसी से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आई मैट्रिक्स, यानी जिसके इस डायगोनल एलिमेंट वन 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 हो जाए और बाकी एलिमेंट जीरो हो जाए, तो उस कंडीशन में कहेंगे कि जो मैट्रिक्स है वो इनवोलेंट्री मैट्रिक्स है। तो यानी आई स्क्वायर जो यूनिटी मैट्रिक्स होता है वो भी एक इनवोलेंट्री मैट्रिक्स होता है। अब फ्रेंड्स, हमने जो इससे पहले पढ़ा था वो निलपोटेंट मैट्रिक्स, निलपोटेंट मैट्रिक्स में जीरो मैट्रिक्स जो होता है वो हम जानते हैं वो निलपोटेंट मैट्रिक्स होता है विद जीरो इंडेक्स।